ये देखिए, एक बस पूरी घुस के पड़ी है अंदर और पूरा उसका मलबा पड़ा है। तो यहाँ पे एक और वाटरफॉल आ गया है, नाम तो मुझे पता नहीं, कहीं लिखा नहीं है वैसे, पर मस्त लग रहा है। छोटा सा वाटरफॉल है, वुडलैंड वाटरफॉल, और शूज़ नहीं है वुडलैंड के, सी तो ये मस्त लग रहा है अभी। और हम जा रहे हैं इस अंदर, वाह पूरा सजा धजा के रखा है। ये देखिए वुडलैंड वाटरफॉल, टिकट काउंटर भी है, वैसे 50 रुपये हैं एंट्री के। कितने पैसे दिए? 150 रुपये देगा। 150 रुपये देगा। तो 150 रुपये दिए हमने टिकट के, तो वैसे मस्त लग रहा है। और ये देखिए इसका पानी, ये कहीं दूर से आ रहा होगा और कहीं दूर तक जा रहा होगा, पता नहीं कौन से पहाड़ों से पिघल पिघल के आ रहा होगा, पर मस्त लग रहा है। छोटा सा वाटरफॉल है पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट्स ऑसम। और ये पूरा मतलब एरिया भी मस्त मेंटेन करके रखा है, और यहाँ पे ऊपर जाने की जगह है तो हम ऊपर जाएंगे अभी, वहाँ से शायद से कोई और अच्छा नज़ारा देखने को मिले। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। लाइफ में आजकल बहुत चढ़ाव उतार आ रहे हैं वैसे, एक और ज़्यादा, कोई बात नहीं। ये देखिए यार, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे हम। और यहाँ से एक और व्यू पॉइंट आ गया है, बाप रे बहुत तेज पानी बह रहा है वैसे। नीचे तक मेरे को लग रहा है अभी तक नैनीताल ख़त्म नहीं हुआ है वैसे, क्योंकि अरे ये देखिए, एक बस पूरी घुस के पड़ी है अंदर और पूरा उसका मलबा पड़ा है। यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, पर एज ए हेरिटेज ऐसे कुछ डाल दिया होगा इसे, वाह। यहाँ पे भी ऐसा होता है पता नहीं था मुझे। तो एक नैनीताल सर्विस की बस है, वो पूरी घुस के पड़ी है अंदर कहीं, और पूरा मलबा हो चुका है, सीट वेट सब निकल चुकी है, बस जो लोहे का जो एक्स्ट्रा सामान जो होता है वही है। तो यहाँ ना पूरा बेकार नहीं हुआ वैसे, एक वाटरफॉल देख लिया और एक ये चीज़, मस्त है वैसे। और आगे जा रहे हैं हम, यहाँ शायद से पूरे ऊपर तक जा पाएंगे। ये देखिए ये है लास्ट पॉइंट, जहाँ से सबसे ऊपर जा सकते हैं, जहाँ तक, और यहाँ से नीचे जा रहा है ये, और पानी एकदम साफ है। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू हियर मी और नॉट, पर बहुत ही फोर्सफुल है, छोटा सा है फिर भी। और वहाँ पे लिखा है झरने पे नहाना सख्त मना है, पानी बहुत ही ठंडा होगा वैसे, छू के चेक कर लेता हूँ मैं। वाह